बरेली के नेकपुर ललिता देवी मंदिर के पास से 17 वर्षीय युवक लापता है। इसका नाम अर्जुन मौर्य है, पिता का नाम रामपाल मौर्य है। पिता ने बताया कि 11 सितंबर को शाम को 6:30 पर छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन कराने गया था, जिसके बाद से वह लापता हो गया। अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम रामपाल मौर्य है, मेरा बेटा है अर्जुन मौर्य, इंटर का छात्र है, वो 12वीं में पढ़ता है राजकीय इंटर कॉलेज में, और वो अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म डाउनलोड कराने गया था यहीं पास में कैफे पे, ये बोल के गया था। दिन में भी कई बार जा चुका था लेकिन वो हो नहीं पाया डाउनलोड, तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म डाउनलोड कराने गया। और मैं जो है ड्यूटी से आया था लगभग 6:30 बजे, मैं अपनी मोटरसाइकिल के अंदर घर में खड़ी कर रहा था, वो बाहर निकल रहा था हाथ में थैला लेके, और सफ़ेद टी शर्ट और एक पैंट है स्लेटी और क्रीम कलर के और मिक्स में ऑर्डनरी, और चप्पल पहन के निकला। बोले पापा मैं CSC जा रहा हूँ, कैफे पे जा रहा हूँ वो कराने, स्कॉलरशिप का फॉर्म डाउनलोड कराने। उसके बाद वो चला गया, फिर उसके बाद आज तक खबर नहीं है। परसों शाम को 6:30 बजे, परसों 11 तारीख को शाम को 6 बजे, इतवार वाले दिन, उसके बाद आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। हाँ, उसी शाम को हमने सब में ढूंढा, रात भर ढूंढते रहे सब झाड़ियों जंगल रोडवेज जंक्शन और मोहल्ल गली मोहल्ले, पूरा मोहल्ला हमारे साथ कोऑपरेट कर ढूंढता रहा, उसका कहीं पता नहीं लगा। फिर रात को ही हमने थाने सुभाष नगर थाने में तहरीर दे दी, लेकिन उसका फिर भी कोई पता नहीं लगा। फिर वो तहरीर को कल फिर तहरीर दी, वो 24 घंटे में रिपोर्ट दर्ज करते हैं गुमशुदी की, तो कल हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है, मतलब कल FIR हुई है, और कल से हम आज तक ढूंढ ही रहे हैं, पूरा परिवार हमारे सारे रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। वो इधर से CCTV कैमरे में देखा तो जाते हुए दिखाई पड़ा है, लेकिन कहाँ तक गया, कहाँ गया, क्या नहीं, गन्ना मिल तक गया है, कहाँ गया है, आगे इसी रोड पर गया, बताइए रोड की तरफ, उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है अभी तक। और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, हम भी बहुत परेशान हैं, घर में खाना पीना सब लोग छोड़ चुके हैं, कोई ना खाना खा रहा ना पी रहा, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और 17 साल का बच्चा है, उम्र 17 साल है उसकी, डेट उसकी 6/5/2005 है, वो 6/3/2005 संगठित है, मतलब उन पर शक है कि इनको पता है लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। एक एक करगाना का धीरेंद्र है, करगाना पुलिस चौकी के अंदर जाके टंगुआ रोड पे उसका घर है, और एक जो है गणेश नगर मणिनाथ, क्योंकि उन्होंने जो है हमारा फ़ोन नहीं उठाया, जब हमारी वारदात हुई हम उसमें जानकारी ले जाए तो न शाम को न सुबह को उठाया, हमने कैसे किसी तरह उनका पता निकाल के उनके घर गए तब बताया, बात की उन्होंने, और बात भी पूरी बताई नहीं कि हमारी कई बात होती, जबकि जो धीरेंद्र है उससे 20 मिनट पहले बात हुई थी बेटे की हमारी, हाँ बेटे से बात हुई, लेकिन कॉल डिटेल में वो डिलीट कर दिया गया नंबर, ऐसी बात हुई, हमने कॉल डिटेल निकलवाई तो दिखा। और एक है अक्षित जो है मणिनाथ रहता है गणेश नगर रोड पे।